नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुरिका वत्सल आप सबका फूड कलेक्शन में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए क्रिस्पी करेला वेफर्स लेकर आई हूँ। करेला किसी को पसंद नहीं होता है, पर मैं आज बहुत ही टेस्टी करेले की चिप्स लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। आप इसे 10 मिनट में बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, और बना के आप इन्हें 1 मिनट में स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इन इंस्टेंट करेला वेफर्स किस तरह से बनाया जाता है। एकदम चटपटे और कुरकुरे चिप्स बनाएंगे आज हम। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही बढ़िया आवाज आ रही है इनकी। देखिए, झटपट से सिर्फ 10 मिनट में हम ये करेला चिप्स बना के स्टोर कर सकते हैं 1 महीने भर तक, और बच्चे बड़े सभी से बहुत ही शौक से खाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 से 4 करेले लिए हैं, मैंने पतले लिए हैं ताकि इनमें बीज ना हो, एकदम फ्रेश करेले हैं। इनके ऊपर और नीचे के दोनों के साइड्स हटा दें। इस तरह चाकू से हटाने के बाद में हम इनकी स्लाइसेस कर लेंगे। तो अब एक स्लाइसर लें और उसके हेल्प से आप इसके पतले पतले स्लाइसेस बना लें। जितने पतले स्लाइसेस आप इसके बनाएंगे, उतनी ही जल्दी ये क्रिस्पी होते हैं और ही लॉन्ग टाइम तक क्रिस्पी बने रहते हैं। तो आप जहाँ तक हो सके स्लाइसर का ही यूज़ करें। यदि आपका स्लाइसर नहीं, तो आप चाकू से पतली पतली स्लाइसेस कट सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये स्लाइसेस तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं एकदम पतली है। इसी तरह की हमें यहाँ पर करेले से सभी स्लाइसेस बनाकर तैयार कर लेनी है। ध्यान रखें, इसके लिए आप इसी तरह के छोटे करेले लें। अब आप इन्हें हाथों से इस तरह से करें कि इसके ऊपर यदि बड़े या मोटे बीज हों, जो कि बहुत कड़े होते हैं, उन्हें निकाल दें। और मेरे पास यहाँ पे कड़े बीज नहीं है, तो मैंने इन्हें नहीं निकाला है। अब थोड़ा सा विनेगर डाल के ऊपर डालें और अच्छे से भुरक दें और इन्हें अच्छे से मिक्स करें। करेला में विनेगर या कोई भी खटाई डालने के बाद में ये कड़वे नहीं बनते हैं, और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जब हम इस मसाले लगाएंगे तो मसाले बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 फायदे मिलते हैं विनेगर डालने से। अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही में थोड़ा सा नमक और धनिया पाउडर डालें और इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स करें, ताकि सभी करेले की स्लाइसिस के ऊपर मसाला अच्छे से कोट हो जाए। आप इसमें अपने पसंद के अनुसार मसाले और भी डाल सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे चाट मसाला डालें, गरम मसाला डालें, आपको जितना स्पाइसीनेस इसमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपनी पसंद से मसाले डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच ही चावल का आटा डालेंगे। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स करें, ताकि सभी जो कॉर्नफ्लोर चावल का आटा या फिर जो आपने यहाँ पर बेसन डाला है, वह अच्छे से इन स्लाइसेस के ऊपर चिपक जाए। यह चिप्स को क्रिस्प करने में हेल्प करता है। देखिए, इस तरह से सभी अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हमारे ये चिप्स तलने के लिए तैयार हैं। मैंने तेल को पहले से ही काफी अच्छा गर्म कर रखा था, अन्य हम मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक तलेंगे। बहुत ज्यादा एक साथ चिप्स इसमें ना डालें, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे और ये जल जाएंगे। तो थोड़े थोड़े से ही इसमें डालें और इन्हें फ्राई करें। मैंने जहाँ पे करेले चिप्स बनाए थे, उन्हें मैं यहाँ पे करीब 3 से 4 बैचेस में फ्राई करूँगी, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो और बढ़िया आए। इन्हें तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया था, इन्हें मैंने काफ़ी पतला स्लाइस किया है और इनके मैंने बीज भी निकाल लिए हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और मॉइस्चर इनमें ऑलरेडी बहुत कम रहता है करेले में, तो बहुत जल्दी क्रिस्प हो जाते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी फ्लेम देखिए कि आपको ये मीडियम पे क्रिस्प हो रहे हैं या हाई फ्लेम पर, लेकिन लो पर इन्हें क्रिस्प ना करें। तो इस अकॉर्डिंग तेल का टेम्परेचर देखते हुए आप इन्हें क्रिस्प कर दें। आप एक हाथ से निकाल के देख सकते हैं कि यदि अच्छे से क्रिस्प हैं, तो सभी करेले की चिप्स को बाहर निकाल लें। और जब आप सभी करेले की चिप्स को बाहर निकाल लेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो चुके हैं। करीब 1 से 2 मिनट के बाद में काफ़ी अच्छी क्रिस्पीनेस इनमें आ जाती है। अब तेल को वापस से 1 मिनट के लिए गर्म होने दें, उसके बाद ही नेक्स्ट बैच को फ्राई करने के लिए इसमें और चिप्स डालें। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सेकंड बैच भी तल लिया है, और इसी तरह से मैं यहाँ पे तीसरा बैच भी तल लूँगी। तो इस तरह से आप घर पर आसानी से सिर्फ 10 मिनट में करेले की चिप्स बना सकते हैं। इन्हें स्टोर करके रखें, बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बच्चे और बड़े सभी इन्हें आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि ये कड़वे नहीं होते हैं और मसालेदार और चटपटे होते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं, वाव। तो इस तरह से इस बार आप करेले की चिप्स भी जरूर बनाएं। मैंने ऑलरेडी आलू के चिप्स, केले के चिप्स की रेसिपीज भी दे रखी हैं, अब वह भी ट्राई करें। और इसी तरह से और रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट लिस्ट दे रखी है, उसे जरूर चेक करें
और घर पर ही टेस्टी और हेल्दी करेले के चिप्स बनाकर एंजॉय करें। थैंक यू।